हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को इनेबल जरूर कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बादाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को बादाम भिगोकर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 99% लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें बादाम किस प्रकार खाने चाहिए और बादाम खाने से उन्हें क्या क्या लाभ मिलेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत जगह पर लोगों को बादाम भिगोकर खाते हुए देखा होगा या फिर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि किन लोगों को बादाम भिगोकर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो इस वीडियो में आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बादाम अपने असीम स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है और सबसे ज्यादा यह आपकी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। बादाम आवश्यक विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, इसीलिए हमें बचपन से ही बादाम खाने को कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि बादाम भिगोकर खाने चाहिए, तो आइए जानें कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों, बादाम की तासीर गर्म होती है और इसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन जैसे कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बादाम को खाने से पहले रात भर पानी में भिगोना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलके में टनिन होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है, और एक रात में बादाम को पानी में भिगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोषक तत्वों को रिहा करने की अनुमति दे देता है। भीगा हुआ बादाम पाचन में भी मदद करता है। इसमें लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है, और इसके अलावा इसके बहुत से फायदे हैं। वजन घटाने में मददगार। दोस्तों, बादाम वजन घटाने में भी मददगार होते हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपकी भूख को रोकने में मदद करता है। भीगा हुआ बादाम एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है। यह मुक्त कणों के नुकसान से बचाकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है। भीगे बादाम में विटामिन B17 और फोलिक एसिड कैंसर से लड़ने और जन्म दोष को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दिल को स्वस्थ रखे। दोस्तों, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बादाम एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है जो LDL कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है। बादाम के ये गुण दिल को स्वस्थ रखने और पूरे हृदय प्रणाली को नुकसान और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। अगर आप दिल की बीमारी के किसी भी रूप से पीड़ित हैं तो स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार में भीगे बादाम को शामिल करें। अपने आहार में बादाम को शामिल करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर को करें कंट्रोल। दोस्तों, बादाम ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा होता है। जनरल फ्री रेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बादाम का सेवन करने से ब्लड में अल्फा टोकोफेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी के भी रक्तचाप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अध्ययन से यह भी पता चला कि नियमित रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नीचे लाया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो नियमित रूप से बादाम खाना शुरू कर दीजिए। गर्भस्थ शिशु के विकास में मदद। भीगे हुए बादाम में फोलिक एसिड काफी होता है। ये पोषक तत्व गर्भ के शिशु के मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के विकास में मददगार साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब बादाम को भिगोया जाता है तो उसे खाना आसान हो जाता है। गर्भवती महिलाओं की कमजोर पाचन क्रिया के लिए यह खाना अच्छा होता है। पाचन क्रिया बनाए बेहतर। दोस्तों, भीगे हुए बादाम पाचन क्रिया को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। जर्नल ऑफ फूड साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि भीगे कच्चे बादाम खाने से पेट जल्दी साफ होता है
और प्रोटीन पचाना आसान हो जाता है। बादाम का छिलका निकल जाने से उसके छिलके में मौजूद एंजाइम अलग हो जाते हैं और इस वजह से फैट तोड़ने में आसानी होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण। दोस्तों, उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमारे देश में सबसे आम हो गई है। उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट समेत कई प्रकार के रोगों का एक बड़ा कारण है। इसमें बादाम आपकी मदद कर सकता है। दरअसल बादाम आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और धमनियों की सफाई करके आपको विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों से भी बचाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए और बादाम खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बादाम खाने के कोई नुकसान नहीं है, परंतु अगर अधिक मात्रा में खाए जाए तो अवश्य ही इनके सेवन से नुकसान हो सकते हैं। बादाम के अत्यधिक सेवन से कब्ज और पेट की सूजन हो सकती है, क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। दोस्तों, यदि आप एक मैंगनीज युक्त डाइट पर हैं और आप बादाम खाते हैं तो यह आपकी दवाओं से हद तक शेप कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि बादाम भी मैंगनीज से युक्त है और शरीर में मैंगनीज की उच्च राशि रेचक औषधियों, एंटीबायोटिक दवाओं और कुछ रक्तचाप की दवाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। आपको अपने दैनिक आहार में केवल मैंगनीज की 1.3 से लेकर 2.3 मिलीग्राम की जरूरत है। दोस्तों, हमें विटामिन ए के 15 mg की हर दिन आवश्यकता होती है। बादाम की बड़ी मात्रा में खपत से हम इस मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त विटामिन ए के दुष्प्रभाव हैं दस्त, पेट फूलना, दृष्टि का साफ ना होना, सिर में दर्द, चक्कर आना और सुस्ती। दोस्तों, एक औंस बादाम में 14 ग्राम फैट और 163 कैलोरीज होती है। यदि आप अधिक मात्रा में बादाम का सेवन कर रहे हैं और इस कैलोरी को पर्याप्त मात्रा में नहीं जला रहे हैं तो आपके शरीर में फैट निश्चित रूप से जमा हो जाएगा और वजन बढ़ेगा। दोस्तों, कड़वे बादाम में हाइड्रोसायनिक एसिड होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को मंदा कर सकते हैं, सांस लेने में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं जो घातक भी हो सकते हैं। अधिक मात्रा में बादाम खाने से आपको एलर्जी भी हो सकती है। दोस्तों, यह एक दुर्लभ दुष्प्रभाव है, लेकिन कुछ लोगों ने बादाम से एलर्जी के लक्षण भी दिखाए हैं। इसके लक्षण होंगे चकत्ते, श्वास में कठिनाई आदि। इन सब के अलावा दोस्तों, हम आपको एक खास बात और बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को पित्ताशय एवं गुर्दे से संबंधित कोई भी विकार हो, यानी कि कोई भी समस्या हो, उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बादाम का सेवन करना उनकी समस्या को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का खास टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि 99% लोगों को ये नहीं पता कि बादाम किन लोगों को भिगोकर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बेहद मायने रखता है और आप लोगों का एक शेयर किसी की जिंदगी भी संवार सकता है। लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।